कन्नौज जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस मामले को देखते हुए सौरिख के नगर पंचायत आदिशासी अधिकारी दीपक शर्मा ने बिना मास्क पहने वालों के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान। कड़ी हिदायत देकर बिना मास्क वालों को छोड़ा गया। वहीं दुकानदारों को भी चेतावनी देते हुए कहा गया कि बिना मास्क वालों को सामान न दिया जाए और वापस लौटा दिया जाए। वहीं अगली बार बिना मास्क कोई घूमता या सामान लेता पाया गया तो कार्रवाई होगी। किस तरह का अभियान चलाया गया? ये शासन के दिशा निर्देश में जो कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए है कि कोरोना को देखते हुए जो कि हमारे सौरिख के लिए अच्छी बात है कि यहाँ से कोई भी एक केस नहीं आया है और उसके लिए नागरिक लोग धन्यवाद है। नागरिकों को इसी क्रम में कि जो मास्क न लगाया हो, दुकानदार हो या कोई हो कस्टमर हो, उनको बिना मास्क के सामान नहीं देगा या दुकानदार है तो मास्क लगाएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो इनको महामारी के एक्ट में मुकदमा भी लिखा जाएगा। और नागरिकों से मेरा यही अपील है कि इतना दिन इन्होंने पूरा साथ दिया है, अपने हित में और समाज के हित में वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जिससे आने वाले भविष्य में हम कोरोना को खत्म कर सकें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को